मैम से बात करेंगे. मैम, नौजवानों से एक उम्मीद थी उन्हें, वो बार बार जिक्र किया उन्होंने नौजवानों से, तो आप क्या देख रहे हैं आज के नौजवानों को, क्या वो उन उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आई विल नॉट बी आंसरिंग यू. जो आप चाह रहे हैं ना, मैं वो बिल्कुल आंसर नहीं करने वाली. मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ. मैं बिल्कुल फेवर करने वाली हूँ अपने यूथ को, मैं बिल्कुल वो आंसर नहीं करने वाली. पता है क्या बात है, अब इंसान इंसान होते हैं, लोग लोग होते हैं, बचपन या जवानी ये एक फेजेस होते हैं, ठीक है. हर जमाने में जिस तरह के हालात होते हैं, सिचुएशन होते हैं, हम उस तरह से बड़े होते जाते हैं, ठीक है. उस वक्त इकबाल ने, क्योंकि नौजवान हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से, या आप कह लें क्योंकि हमारी जो यूथ की जो पॉपुलेशन है ना, वो हमेशा से ज्यादा रही है. सो दैट्स वेयर इट एक्चुअली हमारी पावर भी, अभी भी इस वक्त आप देख रहे हो तो पाकिस्तान में आपके पास जो आपके मोर देन 68% ऑफ जो पॉपुलेशन है, दैट इज बिटवीन आपकी जो है वो यंगस्टर्स की है, जो यूथ की है. मुझे एग्जैक्ट एज फिगर नहीं याद, बट एग्जैक्टली आई गेस इट्स बिटवीन 5 to 18 है जो आपकी बिटवीन जो है पॉपुलेशन है. आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतना आपके पास पावर है, ह्यूमन पावर है जो हार्नेस किया जा सकता है. सो इकबाल ने भी उस वक्त, बिकॉज अगेन सर ने बताया जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, उनको पता था कि जो यूथ पॉपुलेशन है दिस इज दी मोस्ट. अच्छा, वो खाली मोस्ट होने के बाद वो इंटेंस भी बहुत होती है, ठीक है. उसमें पैशनेट, पैशन जो होता है वो टॉप के ऊपर होता है आपका, उसके अंदर, उसके बाद उसके अंदर जो उसकी एबिलिटीज होती है वो बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट के ऊपर होती है, रोबस्ट होती है. इसीलिए किसी भी मुआशरे में यूथ जो होती है वो हमेशा बहुत अहम किरदार अदा प्ले कर सकती है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है. दैट नीड्स टू बी चैनलाइज्ड, इफ चैनलाइज्ड प्रॉपर्ली कर सकती है. एग्जैक्टली. वो मैं अभी तो सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रही हूं, अभी तो मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रही हूं कि क्यों हर जगह ये नौजवान बेचारे हर जगह रगड़े जाते हैं, या उनका नाम लेके यूथ 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 कहा जा रहा होता है. पहली चीज तो पॉपुलेशन इन जो नंबर्स है, दूसरी चीज उनका पैशन होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, उसको चैनलाइज करने की बात होती है, राइट. ठीक है. अच्छा, अब जब इकबाल ने इस चीज को महसूस किया, उन्होंने कहा, सो यहाँ पे आ जाती है तरबियत का अमल बीच में शामिल हो जाता है. इकबाल को पता था कि इफ आई एम एबल टू एड्रेस दीज पीपल, तो इनसे नस्लें आगे बढ़नी है, राइट. दे आर ऑन द एज ऑफ जो है वो जो एडल्ट के एज पे होते हैं, तो वहां पे आगे उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है. इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा यूथ को एड्रेस किया. जो बड़े हो जाते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एल्डर एक्सट्रीम में चले जाते हैं, वो अपनी जिंदगी गुजार चुके होते हैं, उसके बाद उन्होंने एक अलग से उनकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ चल रही होती है. जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीख रहे होते हैं. यूथ इज समथिंग जिसको आप जो देंगे ना, उसमें वो कम से कम 2 से 3 डेकेड साथ लेके चलना, ठीक है. सो पहली चीज, इसीलिए इकबाल ने उस यूथ को टारगेट किया कि इन्होंने जो है ना 2 से 3 दिहाइयां अभी मेरी जो सोच है उसको लेके चलना, और इसीलिए वो चलती भी रही. अब यहाँ पे जो उनकी तवक्कोआत थी यूथ से, वो तवक्कोआत यूथ से नहीं थी बेसिकली. उन्होंने कभी भी उन्होंने जैसे सर ने कहा, उन्होंने दिया है. उन्होंने ये नहीं किया कि पहले दिए बगैर उनसे मैं कहूँ कि मुझे दे दो, ठीक है. If you don't have something, you can't give it to me. उन्होंने पहले तरबियत पे तवज्जो दी यूथ की. पहले उन्होंने नौजवानों को बताया ये चीज है, ये उन्होंने अपने पहले उसको सिखाया, उनकी तरबियत पे तवज्जो दी, एंड देन लेटर ऑन उन्होंने डिमांड की, भाई इसके ऊपर अमल करके यू कैन डू दिस और यू कैन डू दैट. ठीक है, पहले दिया फिर लिया. अब आप क्या एक्सपेक्ट करें, अब आप क्या करें कि हम कुछ नहीं दे रहे और हम कुछ ज्यादा दे रहे. बड़ी दूर की बात है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये करो ये करो ये करो. अरे भाई, पहले तरबियत पे तो आ जाइए. पहले अगर या तो आपने उनकी कैपेसिटी पूरी कर दी, उनका पोटेंशियल पूरा कर दिया, उनकी तरबियत वाला एलिमेंट पूरा कर दिया है, हैव यू गिवन देन, तो फिर आप उनसे. अच्छा, ठीक है.